हाय, दिस इज हर्ष राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो बहुत दिन हो गए, मैंने एक भी वीडियो पोस्ट नहीं किया है, तो अब पोस्ट ही पोस्ट आने वाले, वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि एटलीस्ट एक वीडियो तो मैं डालूंगा 15 दिन में। आप प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, बट आई ट्राई माई बेस्ट फॉर इट। आज मैंने सोचा है कि मेरे जो पुराने फोटोज है इंस्टाग्राम पे, उन्हें मैं देखूंगा और उस पर मैं रिएक्ट करूंगा कि मैंने क्या सोचा था उस वक्त कि मैंने ऐसे गंदे फोटोज खींचे, वैसे कुछ अच्छे भी है। सो लेट्स गो फॉर इट। इंस्टाग्राम, स्टार्टिंग विथ माय फर्स्ट फोटो ऑन इंस्टाग्राम वाज दिस। पता नहीं मुझे क्या ही लग रहा था, बट आई रियलाइज्ड कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी बहुत ज्यादा फिजिक बढ़ गई है, मेरी क्या बॉडी बन गई है, ऐसा मुझे फील हो रहा था। इसीलिए मैंने पहला फोटो ऐसा आधा नंगा फोटो डाला हुआ है, जिसमें पता नहीं शरीर तो दिखते रहे, ना बॉडी है मेरी, बट तब मुझे लग रहा था 2013 में कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा बन गई है, इसीलिए मैंने ये फोटो पोस्ट किया था। सो सैड ऑफ मी। तब मैं नया आई थिंक मैंने आईफोन खरीदा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे बहुत ही क्रिएटिव फोटोग्राफी करनी चाहिए, तो उस चक्कर में मैं अजीब से फोटोज खींचता था। ये देखिए, ये मेरे जूते का फोटो है, आई डोंट नो फॉर व्हाट। और फिर उसके बाद आप देखोगे तो ये किसी के उंगली का फोटो मैंने खींचा हुआ है। इसका कैप्शन ये है, दोज फिंगर्स मेक्स मी लुक गुड। सो बेसिकली ये कैमरामैन थे हमारे, जिनके जिनकी उंगली का ये फोटो है, और उन उंगलियों की वजह से मैं अच्छा दिखता था, और इस वजह से आई थॉट इट इज वेरी क्रिएटिव टू शूट सच काइंड ऑफ फोटोज, अदर फोटोज ओके। ये वाला जो फोटो है जिसमें करेंसी दिख रही है आपको, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटो है, क्योंकि ये अपसाइड डाउन है, ऐसा लग रहा है कि पैसे ऊपर से ऐसे नीचे गिरेंगे। और वो मैंने उस दिन इसीलिए खींचा था क्योंकि सेंसेक्स जो है वो कुछ अराउंड 2000 पॉइंट घिर गया। सो द कैप्शन सेज यस सेंसेक्स इज फॉलिंग एंड दैट्स व्हाई दिस इंटरेस्टिंग फोटो। आई एम रियली प्राउड ऑफ माय सेल्फ, बिकॉज मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं तब 2013 में ऐसे सोचूंगा और ऐसे फोटोज लूंगा। दिस इज अ लवली पिक्चर फ्रॉम माय सेट क्रेजी स्टूपिड इश्क, जिसमें पूरा हमारा जो सेट है वो एक साथ बैठकर इफ्तार पार्टी करते थे हम लोग, और सब बैठ के बहुत खाते थे। लेट्स मूव ऑन टू माय पर्सनल फोटोज। अब मेरे पर्सनल फोटो दिखते हैं जिसमें मैं बहुत अमेजिंग लग रहा हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आई जस्ट रियलाइज कि मेरी खुद की अकेले की फोटोज बहुत कम है यार, बट आई फाउंड वन। Yay! Isn't this the cutest picture of me? This was what me 6-7 months old, और ये मेरे अंकलेश्वर का, मेरे मामा का घर है जहाँ पे मैं वेकेशन के लिए गया था, एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ माई स्वीटेस्ट पिक्चर आई फील। ओके, मूविंग ऑन। तब पहली बार ना ये राउंड फ्रेम वाले जो चश्मे थे वो वापस फैशन में आए थे। दिस इज 2013 only I'm talking about, मतलब आज से 14 साल पहले, इनफैक्ट आई डोंट नो, आई एम वेरी बैड विद मैथ। मूविंग ऑन टू अदर पिक्चर, यस दिस इज द पोर्टफोलियो पिक्चर विच आई क्लिक। ये मेरे एक दोस्त ने खींची थी मेरे लिए, आई थिंक दिस इज शॉट इन मे और समथिंग, हाँ ऐसा ही है, मे में ही है। तो ये बहुत गर्मी होती थी, बट सिंस पोर्टफोलियो है तो ऐसे जैकेट वैकेट पहन के बैठना पड़ता था, ऐसे पूरे पसीने में लथपथ होके, जैसे ही शॉट लेने वाले हैं वैसे ही आप ऐसे टिश्यू पेपर से अपना मुंह पोछ रहे हैं, और एक्शन होने वाला है उससे पहले आप एक एटीट्यूड वाला फेस बना लेते हैं, और वो एक फोटो में एक एटीट्यूड झलकता है, वैसा कुछ फोटो ये मैंने पोर्टफोलियो के लिए किया था। ये मैंने लिया था सूला फेस्ट 2015 में, जब आई वेंट फॉर सूला फेस्ट, और वहाँ पे दिस वाज माय वन ऑफ माय सोलो ट्रिप्स विच आई डिड, जब मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मैं सीधा सूला फेस्ट पहुँच के दो दिन मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया था, सिर्फ फोटोज खींचने के लिए फ़ोन ऑन रखा था, नेटवर्क वेटवर्क सब बंद कर दिया था, एंड आई वॉज जस्ट ऑन माई ओन, चिलिंग एंड हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ।
सो यस दिस इज दैट फोटो. मूविंग ऑन, और बीच में यू नो रिमेंबर दैट एक ट्रेंड निकला था वेयर एवरीबडी वॉज यू नो स्पीकिंग इन इन कोट्स. एक मेरे पास जैसे ये है, यस आई एम गोइंग टू बी सिंगल ऑन वैलेंटाइंस डे, नो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील. सो मैंने भी ऐसा कुछ तभी ट्राई किया था. अगेन एक और आया है, ऑलवेज स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, सम पीपल विल लाइक इट, सम पीपल वोंट, लाइफ गोज ऑन. यस लाइफ डज गो ऑन. अब जो ये वाला फोटो है, कृपया इसे डरिएगा मत, क्योंकि इस फोटो में बहुत ज्यादा खून खराब है. मेरे नाक से ऐसे ब्लीड हो रहा है, डोंट वरी, ये मेरा असली खून नहीं है. दिस इज आई थिंक आई वॉज डूइंग अ स्टोरी फॉर सम सुपर नेचुरल आहट, ऐसा कुछ तो मैं कर रहा था, और उसके लिए ये यू नो जब भूत भूत आके मुझे मारते हैं तो मेरे खां मेरे नाक से खून निकलता है एंड ऑल दैट. तो ये वो वाला फोटो है, जब आ सिंबाद का ये फोटो. यह दिस इज द फोटो आई एम टॉकिंग अबाउट. डू यू फील दैट आई लुक लाइक लियोनार्डो डिकैप्रियो इन दिस? टाइटैनिक का लियोनार्डो डिकैप्रियो ऐसे वुड पे लटका हुआ है. पर आई रिमेंबर मैं जब स्कूल में था तो यू नो लॉट ऑफ पीपल यूज टू टेल मी क्या कि अरे यू लुक लाइक लियोनार्डो डिकैप्रियो. बोला अच्छा वाह, आई नो आई रिमेंबर, मतलब मैं लियोनार्डो टाइप लगता हूँ, मैं जानता हूँ, ऐसे करके मैं उन्हें बोल देता था. बस कभी घमंड नहीं रखा है. यस यू नो व्हेन आई वाज डूइंग सिंबा ना, तो उसमें काफ़ी ऐसे हर एपिसोड में एक अलग कैरेक्टर आता था, वेयर आई हैड टू लाइक यू नो ऐसे टोटली अपने आप को कुछ अलग कैरेक्टर में चेंज करना पड़ता था. सो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फोटोज उस वक्त मेरी आई है, जैसे कि इफ यू सी दिस, जहाँ पर मैं एक कालीन पर उड़ने वाला हूँ, दिस वेरी अलादीन सिंबाद काइंड ऑफ अ थिंग. अब बताइए भाई साहब ये कौन है? दिस इज मी ओनली. सो एक पार्ट आया था जिसमें आई हैड टू प्ले सिंबाद एक शक्तियों वाली औरत, मतलब बन के जाता है कहीं पर और वहां पर जाके वो खलबली मचा देता है. बट डोंट यू फील आई लुक प्रिटी एज अ गर्ल? No, I don't think so. I look pretty as a girl. I look very weird, I feel. Okay, moving on. See this again. मैंने जैसे कहा था कि during Sinbad बहुत अलग अलग stories आती थी, तो I used to have a lot of change in my looks and get-ups. अब जाके मैं थोड़ा थोड़ा handsome होने लगा हूँ, क्योंकि मैं अब 2017-18 के आसपास आ चुका हूँ photos में. This is one photo which is also very interesting. So a show when I was doing Saath Nibhana Saathiya for Star Plus. तो उसमें ये एक जेल में मुझे डाल दिया था और मैं जेल में ही बंद हूँ, रो रहा हूँ कि क्या हो गया मेरे साथ. It's a very interesting photo of mine. ये है पृथ्वीराज चौहान का फोटो, जो which was 16 years back. It used to air on Star Plus and yes, I used to play a character called as Pundir, जो कि पृथ्वीराज चौहान का दोस्त हुआ करता था. And कितनी मासूमियत थी उस वक्त मुझ में, कितनी मतलब यू नो आई वाज सो एजाइल एंड आई वाज सो ऑनेस्ट एंड आई वाज सो इनोसेंट इज द वर्ड एक्चुअली. कितना इनोसेंट था मैं. वेल उम्र के साथ इनोसेंस चली जाती है, आई अंडरस्टैंड दैट. एंड यू फाइंड दिस फेस नाउ आफ्टर After a couple of years, but it's fine. You have to deal with it. It's your face. Chotu picture of mine. But chota tha, bada cute tha, I feel. This was when, this was meri nani mujhe ek kumbh mele mein lekar gayi thi. So this was, I think, Nashik ka jo kumbh mela tab hua tha, us waqt ki baat hai ye. आप जब पुराने फोटोज देखते हो तब आपको पता चलता है कि यू नो देयर इज अ मेजर डिफरेंस इन व्हाट यू वर एंड व्हाट यू आर नाउ. सो यस दिस वाज ओल्ड फोटोज ऑफ माइन, यू नो मी री लिविंग माय ओल्ड फोटोज. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए. एंड बताइए अगर आप कुछ देखना चाहते हैं मेरे बारे में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, और मुझे बताइए कि आप क्या कौन से टाइप के वीडियोस यू नो देखना पसंद करेंगे मेरे बारे में. थैंक यू सो मच. दिस इज हर्ष राजपूत साइनिंग ऑफ. लॉट्स ऑफ लव.